वो वर्ब और नाउन फ्रेजेस इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कहीं कहीं वो इन चीज़ों में उमिट कर जाते हैं इसकी ज़रूरी चीज़ों को भी उमिट कर जाते हैं इवन एट द एज ऑफ सेवन मे उमिट सम एलिमेंट्स सम ऑफ केक बट एक्सपेंड अदर्स अनवांटेडली जैसे नाइको हु इज मोर बिगर देन यू द राइम्स ऑफ अ सेंटेंस सीम्स टू बी मोर साइल सेलियंट एंड चिल्ड्रन ऑफन मिस स्मालम फंटर्स वर्ड्स सो इन एडिशन दिस दे स्टिल हैव डिफिकल्टी विद प्रपोजिशंस वर्ब टेंसिंग मोडिफाइंग एंड प्लूरल्स तो मतलब ये कि वो प्रेपोजिशन वर्ब्स और टेंसिस के लिहाज से और मोडलिटीज़ के लिहाज से और प्लूरल्स के लिहाज से उनको इस्तेमाल में मुश्किल पेश आती है यूनिक सेंटेंसिस आर रूल एक्सेप्शन सचास इर रेगुलर पास्ट एंड प्लूरल आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट तो इेगुलर पास्ट और प्लूरल्स का इस्तेमाल करना भी स्टिल uh, उनके लिए मुश्किल होता है विद इन द नाउन फ्रेज डिवेलपमेंट कंटिन्यूज विद द एडिशनल मोडिफायर्स एंड मास्ट्री ऑफ द प्रोनाउंस सिस्टम्स तो ये उनमें जारी रहता है कि एडिशनल मोडिफायर्स और मास्ट और प्रोनाउंस सिस्टम में महारत के साथ और फाइव ईयर्स की एज में

ज हर माई एंड एड्जेक्टिव क्या है दैट आर बिग लिटल क्वान्टिफायर्स मैनी समस्ट्रेटिव दैट ए दिस दैट यानी जो दिस और दैट ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ों को एंड पोस्ट नाउन प्रपोजिशनल फ्रेजेस मसलन एट स्कूल एलन एटाल तो ये इस तरह करके ये नहीं ये नाउन फ्रेजेस की डेवलपमेंट है ये गो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों में डेवलप होती है जूं जूं उनकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी उनमें डेवलप होती है वो रूल्स uh, सीखते हैं ग्रामर को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं तो उनमें ये, ये इसका इस्तेमाल वो नाउन फ्रेज वर्ड्स को वर्ब्स को सीखते हैं इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें नाउन वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट की तो सिक्सटी मंथ में यानी पाँच साल की एज में आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन सो आ लिटल डॉटर अ गुड कैट ये एग्जाम्पल है उसकी आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव और प्लस नाउन सो अ बियर वर्कशॉप द पार्टी स्टफ द गोट साउंड द ब्रो ब्रेक स्टेशन आर्टिकल नाउन प्रपोजिशनल फ्रेस अ पिक्चर ऑफ डोमिन, द बॉटम ऑफ इट सेवेंटी टू मंथ्स की एज में आर्टिकल एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ लिटल फरी स्पॉट आर्टिकल एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव नाउन यानी ये डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर वो अपने सेंटेंस को आ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनका एनालिसिस जरूरी है और समझना जरूरी है आ बिग किड रूम द लिटल बेबी चिक्स और आर्टिकल एडजैक्टिव नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज में अगर आप देखें अ बिग क्लाउड ऑफ डस्ट अ रेड मार्क ऑन हिज स्टोमिक सो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन प्लस एम्बेडेड क्लास द न्यू वन आई लाइक अब न्यू वन जो है ये एम्बेडेड क्लास है अच्छा आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब अ लिटल हेरिट राइट हेयर तो ये मतलब ये है कि डिफरेंट नाउन और वर्ब फ्रेजेस हैं जो डिफरेंट चीज़ों के साथ एडजैक्टिव के साथ नाउन्स के साथ प्रपोजिशन के साथ डिस्क्रिप्टर्स के साथ एडजेक्टिव आर्टिकल्स के साथ यूज़ करके इसकी फ्रेज नाउन और वर्ब फ्रेज डिवेलपमेंट बच्चों में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखें पाँच साल से लेकर छः साल की एज तक आ, इस ये उनमें डिवेल्प होती है

अब शीज़ अन टैंक हर शूज अब ये देखे टैंक के साथ अन कप लगा के इसको सेफिक्स जो है इससे उसके जो प्रीफिक्स लगा के इसके मीनिंग्स को चेंज कर दिया सो यूज़ ऑफ पार्टिकल फॉर्म्स ऑफ द वर् पुल ऑन योर बूट्स पुट ऑफ योर बूट्स तो इस तरह मतलब उनके आ, लगा कर इसको प्रिफिक्स लगा कर हम उसके मीनिंग्स को ये चेंज हो जाते यानी वर्ब्स के वर्ब्स के मीनिंग्स में चेंज आ जाती है तो वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट के लिए द यूज ऑफ सेपरेट लेक्सिकल आइटम्स शी ओपन द डोर शी क्लोज द डोर ठीक है ओपन एंड क्लोज ये वर्ड अपोजिट है, uh, है वर्ब की ये फॉर्म है सो अ चाइल्ड रिजल्टेंट कंफ्यूजन प्रोड्यूस सेंटेंसेस सच एज दीज के आई आई हैड टू अनटेक द सिविंग Take out switch stitches i'll get it after it's plugged out yani यानी to तो मतलब इस तरह ये उनमें ये verb phrase development ke के बारे में आ, बताया जा रहा है तो वर्ब फ्रेज development में क्या मजीद इसमें हम कह सकते हैं द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग हाउ टू स्टेट underlying verb. सो ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स अ चाइल्ड एड वर्ब टेंसिस यानी वर्ब हम यूज़ जो करते हैं इसमें टेंसिस का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बगैर उसके मीनिंग्स अदा नहीं होते सच हेज़ द परफेक्ट हैज़ बिन ईटन आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना तो इसमें थर्ड uh, फार्म के साथ से पहले हम हैज़ बिन यूज़ कर रहे हैं ठीक है और हैव बिन हैव वर्ब है इसमें ई एन एंड हैज फिनिश्ड एडिशनल इन रेगुलर पास टेंस वर्ब्स तो यही टेंसिस इसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स के साथ हम लगाकर टेंसिस को चेंज करते हैं प्रेजेंट से पास पास से प्रेजेंट परफेक्ट और इस तरह सो ऑन सो मॉडल्स एक्सप्रेस दिमेंटिक नोशन ऑफ पॉसिबिलिटी इसमें ड्यूटी परमिशन इंटेंशन वेलिटी ट्रुथ एंड फंक्शनैलिटी तो सम मॉडल एक्सिलरी अपीयर्स इन प्री स्कूल यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये ये इस प्री स्कूल में भी बच्चों में जाहिर होते हैं इन एडिशन स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडल्ट आल्सो एक्सप्रेस द नोशन ऑफ मोडेलिटी इन एडवर्स क्या है पॉसिबली मे बी एडजेक्टिव्स पॉसिबल लाइकली नाउंस पॉसिबिलिटी लाइकलीहुड तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं यानी जो इसकी वर्ब फ्रेज को आगे डिफरेंट एडवर्ब्स के साथ एडजेक्टिव्स की शक्ल में और की शक्ल में उनमें तब्दीलियां करके एक्सप्रेस किया जा रहा अब नाउन एंड वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट के हवाले से स्कूल एज की जो स्कूल एज डेवलपमेंट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स की जो है तो मुख्त ऐज में इसका एक जो आपके सामने आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है तो फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव ईयर यानी पाँच से साढ़े पाँच साल की एज में आ, वर्ब कौन से हैं टुक फेल ब्रोक फाउंड और आ, पाँच साल छ माह से पाँच साल ग्यारह माह की एज में केम मेड थ्रू सेट साल से साढ़े छः छः साल की एज में यानी ये बच्चों में ये डिवेलप होती हैं सो रेन फ्लू वोर रोट कट फेड ड्रोफ बिट और इसी तरह आगे साढ़े छः साल से लेके छः साल ग्यारह माह की उम्र में ब्लू रेड शॉर्ट रोड यानी ये वो वर्ब्स की ये शेप्स या वर्ब्स की ये फॉर्म्स सीखते हैं और सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव ड्रैंक इसी तरह आगे सा साढ़े सात से सा, साल से सात साल ग्यारह माह की एब में हाइड रैंक स्लेप्ट ड्रू डग स्वैम और आठ साल की एज में लेफ्ट कॉट स्लाइड हंग और साढ़े आठ साल की उम्र से आगे आठ साल ग्यारह माह की एज में सेंट और शोक और बिल्ट तो इस तरह ये जो वर्ब्स हैं उनकी ये नहीं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं विद द एज उनमें ये वर्ब्स की फ्रेजेस डेवलप हो रही होती हैं तो ये एक पूरा समरी थी उसकी जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट की